निफ्टी वायदा छब्बीस या शून्य दशमलव एक तीन प्रतिशत बढ़कर उन्नीस हज़ार आठ सौ सोलह पर कारोबार कर रहा था जो दर्शाता है कि दलाल स्ट्रीट सोमवार को सकारात्मक शुरुआत की ओर अग्रसर था यहां कई स्टॉक हैं जो विभिन्न कारणों से आज फोकस में रहेंगे आईडीएफ़सी फर्स्ट बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मुनाफा पहली तिमाही में सालाना आधार पर इकसठ प्रतिशत बढ़कर सात करोड़ रुपये हो गया तैंतालीस प्रतिशत बढ़कर आठ हजार दो सौ बयासी करोड़ रुपए हो गई एनटीपीसी राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में नौ प्रतिशत बढ़कर चार हजार छियासठ करोड़ रुपए हो गया हालांकि परिचालन से राजस्व दो प्रतिशत घटकर उनतालीस हजार एक सौ बाईस करोड़ रुपए हो गया मेरिको मेरिको का समेकित शुद्ध लाभ अप्रैल जून अवधि में पंद्रह प्रतिशत बढ़कर चार सौ सत्ताईस करोड़ रुपए हो गया हालांकि परिचालन से राजस्व तीन प्रतिशत गिरकर दो करोड़ रुपए हो गया सोनाटा सॉफ्टवेयर सोनाटा सॉफ्टवेयर ने जून में समाप्त तिमाही में 120 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया परिचालन से राजस्व 2,015 करोड़ रुपये आया सीमेंस सीमेंस के शेयरधारकों ने कंपनी के कम वोल्टेज मोटर्स और गियर वाले मोटर्स व्यवसायों की सीमेंस लार्ज ड्राइव्स को प्रस्तावित बिक्री के खिलाफ मतदान किया एसबीआई कार्ड एसबीआई कार्ड का शुद्ध लाभ जून तिमाही में सालाना आधार पर पांच प्रतिशत गिरकर पाँच सौ तिरानवे करोड़ रुपये हो गया इस बीच परिचालन से कुल राजस्व साल दर साल चौबीस प्रतिशत बढ़कर चार हजार छियालीस करोड़ रुपये हो गया नजारा टेक नज़ारा टेक का शुद्ध लाभ जून में समाप्त पहली तिमाही में सालाना आधार पर इकतीस प्रतिशत बढ़कर इक्कीस करोड़ रुपये हो गया राजस्व चौदह प्रतिशत बढ़कर दो सौ चौवन दशमलव चार करोड़ रुपये हो गया इक्विटास ने जून तिमाही में एक सौ इक्यानवे करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया इसी अवधि में शुद्ध ब्याज आय सात सौ करोड़ रुपए रही यूनाइटेड ब्रुअरीज़ यूनाइटेड ब्रुअरीज़ का पहली तिमाही में शुद्ध मुनाफा एक सौ छत्तीस करोड़ रुपये रहा परिचालन से राजस्व दो हजार दो सौ चौहत्तर करोड़ रुपये आया ग्लैन फॉर्मा यूएसएफ ने कंपनी की वीएससीजेट स्टेर ऑलॉजी सुविधा में शून्य अवलोकन के साथ निरीक्षण पूरा कर लिया है बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ इंडिया को जून तिमाही में एक हजार पांच सौ इक्यावन करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ एन आई पांच हजार नौ सौ चौदह करोड़ रुपए रहा एमसीएक्स एमसीएक्स ने पहली तिमाही में उन्नीस दशमलव छह करोड़ रुपए का पीएटी दर्ज किया जबकि राजस्व एक सौ छियालीस करोड़ रुपए था पीरामल एंटरप्राइजेस पीरामल एंटरप्राइजेज बोर्ड ने टेंडर ऑफर रूट के जरिए एक करोड़ रुपये तक के शेयरों की बायबैक मंजूरी दे दी है मारुति सुजुकी पावर ग्रिड गेल और अदानी ग्रीन के शेयर फोकस में रहेंगे क्योंकि कंपनियां आज अपनी पहली तिमाही के नतीजों की घोषणा करेंगी डिस्क्लेमर दोस्तों इक्विटी न्यूज आपको केवल शेयर बाजार अर्थात किसी कंपनी के बारे में जानकारी देता है यहां किसी भी प्रकार का निवेश करने का सलाह नहीं दिया गया है हम से भी द्वारा रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है निवेश करने की सलाह हम नहीं देते इसलिए आप निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें और खुद के रिश्क में ही निवेश करें